हेलो दोस्तों, मैं तपन कुमार आपको बहुत बहुत स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल हेल्पिंग तपन को। दोस्तों, यहाँ पे डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO के तरफ से एक रिक्रूटमेंट निकल के आ रहा है। जो वीडियो को एंड तक देखिए, आपको सारे इन्फॉर्मेशन पता चल जाएगा। यहाँ पे 10th ITI डिप्लोमा और BTech कैंडिडेट के लिए रिक्रूटमेंट निकला है। एप्लीकेशन इसको डाल सकते हो। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, अभी आप मुझे ऑन एकेडमी में फॉलो कर सकते हो। ऑन एकेडमी एक लर्निंग ऐप होता है, वहाँ पे जाके फॉलो कर लीजिए मुझे। तपन घड़ई का सर्च कीजिए और जहाँ पे मैं आपको रेलवे SSC के रिलेटेड आपको तैयारी का वीडियो बनाता हूँ, आप मुझे वहाँ पे डायरेक्टली मैसेज भी कर सकते हो। जहाँ पे आपकी जो भी इशू है, मैं मैसेज के जरिए मैं आपको कमेंट में आपको बता सकता हूँ। तो आप मुझे जाके ऑन अकेडमी में फॉलो कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट करूंगा, आप अगर हमारे चैनल पे नया हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बाजू में बेल आइकन होगा उसको भी जरूर दबा दीजिए, ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो का आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच सके। यहाँ पे मैं रेलवे, DRDO, इसरो, कई सारा अच्छे अच्छे SSC गवर्नमेंट जॉब रिलेटेड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता हूँ। तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, यहाँ पे जो एडवर्टाइजमेंट यहाँ पे देख सकते हो, एडवर्टाइजमेंट जो है निकल के आ रहा है, तो देख सकते हो टेस्ट फॉर पब्लिकेशन। यहाँ पे जो रिक्रूटमेंट निकल के आ रहा है, तो यहाँ पे BTech ये जो वैकेंसी निकल के आ रहा है, यहाँ पे अप्रेंटिस ट्रेनिंग के लिए वैकेंसी निकल के आ रहा है, जो DRDO डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो पर्पज टू एंगेज 5 नंबर ऑफ ग्रेजुएट होल्डर, मतलब आप अगर BTech कैंडिडेट हो तो आपको इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेड से हो तो आप इसको अप्लाई कर सकते हो। 5 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, और इंजीनियरिंग में 5 नंबर्स ऑफ डिप्लोमा होल्डर जो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, और इंजीनियरिंग 20 नंबर ऑफ ITI ट्रेड कैंडिडेट होल्डर इन फिटर, टर्नर एंड मशीनिस्ट ट्रेड। आप अगर फिटर और टर्नर हो तो आप इसको अप्लाई कर सकते हो। दोस्तों, जो अप्रेंटिस का वैल्यू क्या पता होगा, क्योंकि यहाँ पे आप अगर इसरो, DRDO, रेलवे, कई सारा जगह में आप अप्लाई कर रहे हो, आपके पास अगर अप्रेंटिस है तो इस बार रेलवे का भी 20% रिजर्वेशन रखा गया है अप्रेंटिस कैंडिडेट के लिए। इसरो में आओ तो इसरो में डायरेक्टली 20% क्या आपको पहले प्रेफरेंस मिलेगा आप अगर अप्रेंटिस किए हो, तो अप्रेंटिस जरूर कर लेना चाहिए। तो ये 20 नंबर ITI कैंडिडेट के लिए। फिर 6 नंबर स्टूडेंट फॉर सैंडविच कोर्स ऑफ डिप्लोमा केमिकल इंजीनियरिंग, डिप्लोमा और अगर केमिकल इंजीनियरिंग किए हो तो आपको 6 कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हो। अप्लाई करने के लिए ये जो Annexure 1 लिखा गया है, इसको आप क्लिक करोगी तो आपको पास एक एडवर्टाइजमेंट खोल जाएगा। दोस्तों, मैं आपको बोलना चाहूँगा, यहाँ पे लास्ट डेट ऐसा कुछ रखा गया नहीं, आप जल्दी से आप अगर अप्लाई करना चाहती हो ये एडवर्टाइजमेंट को पढ़ लीजिए। यहाँ पे दोस्तों कंडीशन सब पढ़ लीजिए, आपकी NCVT सर्टिफिकेट्स होना चाहिए, एज लिमिट भी रखा गया है, जो भी कंडीशन ये सारे पढ़ लीजिए। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हूँ, वहाँ जाके पढ़ने के बाद इसको अप्लाई कर लीजिए। ऑफलाइन एप्लीकेशन है ये। यहाँ पे मैं स्टाइपेंड के बात कर लेता हूँ, आप अगर एक ग्रेजुएट अप्रेंटिस कर रहे हो तो 4,900 मिलेगा, टेक्निकल अप्रेंटिस कर रहे हो डिप्लोमा कैंडिडेट के लिए 3,500 मिलेगा, अगर आप सैंडविच जैसे कि केमिकल ट्रेड है उसमें कर रहे हो तो 2,800 रुपया मिलेगा, पर ITI कर रहे हो तो आपको मिलेगा 8,800 ITI कैंडिडेट के लिए ज़्यादा, क्योंकि उन लोगों के थोड़ा वर्क प्रोफाइल रहता है। तो यहाँ पे अप्लाई करने के लिए ये देख सकते हो जो फॉर्मेट दिया गया है उसको प्रिंट कर लीजिए। प्रिंट करने के बाद आपको इसके अंदर एड्रेस भी दिया गया है, कौन सा एड्रेस को भेजना है, वो सारे आपको ये PDF में प्रोवाइड किया गया है, उसको पढ़ लीजिए। पढ़ने के बाद आपको जो एड्रेस दिया गया है वो एड्रेस को सेंड कर दीजिए। ये था दोस्तों जो डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO से जो वैकेंसी अभी निकला है। उसके बाद अभी Septum 9 भी इसी साल में आने वाला है। Septum 9 जो आपकी ITI 10th वालों, डिप्लोमा वालों, BTech वालों को सबके लिए वैकेंसी निकलेगा, और काफ़ी ह्यूज अमाउंट ऑफ वैकेंसी निकलेगा। तब तक चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, जो भी इन्फॉर्मेशन आएगा पहले मेरा चैनल में मिल जाएगा DRDO इसरो के तरफ से। क्योंकि यहाँ पे आप सबको पता होगा दोस्तों, मैं भी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में जॉब करता हूँ, तो मैं भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम दे के मुझे जॉब मिला है। तो आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बाय बाय, जय हिंद।